नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बस आपको क्लिक करना है, ऑप्शन आ रहा होगा सब्सक्राइब। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ढोलक बजाना। मैंने ढोलक बजाना सीखा था, अपने पैसे वेस्ट किए थे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने पैसे वेस्ट ना करें, घर बैठे बैठे स्टेप्स देख लीजिए कि क्या होते हैं ढोलक के स्टेप्स। और बहुत इजी है, अगर आप कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको 15 से 20 दिन में ढोलक इजीली बजाना आ जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। ढोलक सीखने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ऑब्वियसली ढोलक, तो वो मैंने निकाल ली है। अब इसके बाद ये राइट हैंड का सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको पार्ट राइट हैंड में हमें क्या करना पड़ता है, 1 2 1 1 2 1, इसको बोलेंगे 1 फिर 2 फिर 1। इसी तरह से आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको कम से कम 5 से 10 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपका हाथ अपने आप फिर ऐसे चलने लग जाएगा। अभी आपको आवाज़ अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि जब तक दोनों हाथ साथ में ना बजे जब तक अच्छा नहीं लगता साउंड। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 1 1 2 1। और ये जिससे थोड़ी सी हार्ड वॉइस निकलती है उस साइड का, ये जो छोटी वाली साइड होती है ये होती है हमारी थोड़ी बड़ी वाली साइड, और ये होती है छोटी साइड। तो ये जो मैं आपको फिंगर बता रही हूँ 1 2 1 वाली, ये छोटी साइड के लिए है। अब मैं दूसरे हाथ का बताऊंगी, ये राइट हैंड साइड का हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आप इसको एक साथ देखिए तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में। ये भी एक दिन में नहीं आएगा, आपको कम से कम 10 दिन तो लगेंगे इसको सीखने में। अगर आप आपके पास ढोलक नहीं है तो आप कुछ दिन तक अपने घुटने पे भी ऐसे बजा सकते हैं, जो मैंने इसी तरह से सीखा था, 1 2 1 1 2 1। और इसको 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जब आपके हाथ दोनों, पहले तो आपको अलग अलग एक एक हाथ सीखना है, जब आपके हाथ सेट हो जाए फिर दोनों हाथों को एक साथ सीखना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लेकिन आप सीख सकते हैं प्रैक्टिस करने से। फिर दोनों हाथ बजाने, दोनों हाथ सीखने के बाद अब हमारी साउंड कुछ ऐसे निकलेगी। हम लोग डपलियाँ भी यूज़ करते हैं, ये तो बेसिक तो यही होता है, मेन तो ढोलक यही बजाना होता है। बीच में जब आपको लोगों को अच्छी ढोलक आ जाती है, उसके बाद बीच बीच में आप अपने तने से कोई भी आवाज़ निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं ढोलक बजा रही थी तो उसके बीच में मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, या कुछ और भी जो भी मेरा इस तरह से भी मेरे हाथ अच्छे चले, तो बीच बीच में हम इस तरह से साउंड डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब आप लोगों को अच्छी ढोलक आ जाएगी तो ये सब धुन तो आप अपने आप निकाल सकते हैं। बेसिक यही है, 1 2 1 1 2 3। और अब मैं अपनी मम्मी से बजवाती हूँ ये ढोलक, देखते हैं वो कैसा बजाती हैं। मेरी मम्मी मेरे से भी अच्छा ढोलक बजाती है। मम्मी आइए, ढोलक बजाइए थोड़ा सा। अब हमारी मम्मी बीच में जो ढपलियाँ आती हैं ना, वो बजाना और सिखाएंगे। मम्मी एक बजाना, हाँ।
इसके कोई प्रॉपर स्टेप्स नहीं होते, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। ये आप जितना आप ढोलक सीखते जाएंगे उतनी आपकी नपलियाँ अच्छी अच्छी होती जाएंगी। वो बस हमारा इनोवेशन होता है, हम किस तरह से हाथों का यूज करते हैं उतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें ढोलक से निकलने लग जाती हैं। अब हम भजन गाते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुम स्टार्ट करो। आपने इतना सुंदर भजन गाया, थोड़ा थोड़ा हमें भी आ गया और शायद हमारे फ्रेंड्स को भी आ गया होगा। तो ये वीडियो ज़रूर अपनी मम्मियों को दिखाएं, सबको दिखाएं। हमारी मम्मी ने बहुत मेहनत करी है इसको गाने में, इसको ढोलक बजाई है इतनी देर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय कर देना मम्मी, बाय। Oh, God.
तीन तीन बार खाना जरूरी है क्या? शॉर्ट भी तो कर सकते हैं।